हेलो वर्ल्ड, स्वागत है आपका एक और GTA 5 के गेम प्ले वीडियो में। प्रीवियस एपिसोड में हमने कुछ नहीं देखा था क्योंकि ये फर्स्ट एपिसोड है इस सीरीज का। तो अभी हम हैं माइकल के घर पे और अभी हमको कुछ खास यहाँ पे करने को दिख नहीं रहा है सिवाय माइकल के, जो कि अभी बिना कपड़ों के खड़ा है। और ये अभी मैं दरवाजे के बाहर निकला हूँ और अभी गाइस सबसे पहली चीज़ मुझे ये करनी है कि माइकल के लिए कुछ कपड़े खरीदने हैं। तो कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास एक जगह है, मेरे पास वहाँ पे मैं अभी जाने वाला हूँ। और इसके पास एक अच्छी सी गाड़ी भी नहीं है, तो आज के दिन शायद से हम एक अच्छी सी गाड़ी भी खरीदेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मुझे एक लोकेशन पता है जहाँ पे कपड़े मिलते हैं माइकल के लिए, सबके लिए। तो वहाँ पे हम अभी जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे माइकल के लिए क्या रखा है। बाकी तो गाइस आज हम बहुत मज़े करने वाले, ये फर्स्ट सीरीज़ है तो अभी हम बेसिकली फर्स्ट सीरीज में माइकल को रेडी करेंगे। और इसके बाद एक सुपर कार भी खरीदनी है हमें, क्योंकि मुझे तो भाई एक अच्छी गाड़ी चलानी है। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम सब बर्बन के बाहर आ चुके हैं और इधर अभी मुझे लगता है कि अच्छा से कपड़े मिल जाएंगे। बाकी माइकल को क्या अच्छे कपड़े लगते हैं। ओके गाइस, तो अभी हमने यहाँ से ये वाला सूट खरीद लिया है, काला वाला। और क्योंकि गाइस इसको अच्छे कपड़े इसलिए देने पड़ते हैं क्योंकि माइकल ना बहुत बड़े बड़े डील्स करता रहता है, जिसके लिए उसको स्टेटस की ज़रूरत है। और उसको स्टेटस दिलाने के लिए हमने ये सूट खरीदा है। और गाइस अभी हमें ट्रेवर का फ़ोन आया था और भाई वो ये कह रहा है कि हमें वो एक गिफ्ट देने वाला है और गिफ्ट में वो हमें एक सुपर कार देने वाला है। क्या ये कैसे पॉसिबल है भाई? ट्रेवर हमें एक सुपर कार क्यों देगा, और वो भी इतने छोटे से गांव में रहने वाला आदमी? तो उसने मुझे अभी यहाँ पे इस लोकेशन पे बुलाया। भाई मुझे तो नहीं पता ये क्या है, बस मुझे लगता है उसने कुछ बैंक वैंक लूटी होगी और खुश होकर हमें वो कुछ गिफ्ट विफ्ट दे रहा है। तो वहाँ पे जाके अभी देखते हैं कि उसका क्या ख्याल है और वो ये सब क्यों कर रहा है। उसने मुझे अभी फ़ोन क्यों किया था कि वो अभी मुझे एक गिफ्ट देने वाला है। राइट गाइस, तो अभी मैं तो यहाँ पे आ चुका हूँ और एक मिनट यार टर्न ले लूँ बस। ओके, सो पीछे मैंने गाड़ी अपनी पूरी तरह से ठोक दी थी, इसलिए गाड़ी चेंज करनी पड़ी। और अभी यहाँ पे मैं उसके लोकेशन पे तो आ चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे वो ट्रेवर तो दिखाई नहीं दे रहा किधर। तो और एक मिनट कहीं ये तो ट्रेवर नहीं अपना? ओ भाई साहब, ये शायद से ये ट्रेवर ही है। एक मिनट आगे जाके देखता हूँ मैं। बाकी इसने सुपर कार खाई थी भाई, ये तो ट्रेवर ही है। अरे 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 अरे, और इसने ये क्लाउन का क्यों पहन के रखा है? और ये क्या, ये इसकी सुपर कार? भाई मुझे लगा था कुछ बुगाटी या फिर फरारी खड़ी होगी और यहाँ पे ये ट्रैक्टर जैसी चीज़ लेके। अबे यार, इसने तो हमारे साथ प्रैंक कर दिया बहुत बड़ा। भाई तेरे को तो मैं छोड़ने नहीं वाला। और ये भाई, मैं सोच रहा था आज यहाँ पे मैं गाड़ी में आया हूँ चुरा के और जाऊँगा मैं गिफ्टेड बुगाटी में, लेकिन भाई यहाँ पे तो कुछ और ही सीन हो रखे है। इसका टॉप स्पीड कितना? इसको पहले ठोक दूँ मैं। भाई तू कुछ काम का नहीं निकला यार। और यहाँ पे ये गाड़ी की टॉप स्पीड भी देखी जाए तो बस 18 या फिर 10 किलोमीटर पर आवर। भाई ये है क्यों गाड़ी यार? ये खटारा है, इसको बंगार वाला भी नहीं लेगा, वो भी शर्माएगा इसको लेने में। तो अभी तो भाई इसकी तो खैर नहीं, इसको मार भी नहीं सकते, क्या करे, गाड़ी को ही फोड़ देता हूँ। ये फूटेगी भी कि नहीं? भाई ऑलरेडी फूटी हुई है, उसकी किस्मत तो ऑलरेडी ख़राब है, और क्या ख़राब करेंगे। छोड़ो भाई, इधर से निकलता हूँ जल्दी से मैं और अभी देखता हूँ कि आगे क्या कर सकते हैं। इसको ठोक के जाना पड़ेगा पहले, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओला गाइस, तो अभी मुझे शायद से यार बहुत इंटरेस्ट आ गया था, बहुत एक्साइटेड हो गया था मैं कि मुझे एक सुपर कार मिलने वाली है। तो अभी मैं जाता हूँ एक शोरूम और देखता हूँ असली में कोई सुपर कार अगर हम ले सकते हैं अभी या नहीं। तो पहले तो एक सुपर कार के लिए एक शोरूम ढूंढना पड़ेगा। और क्या लगता है कौन सी गाड़ी ले अब? आपको अगर कोई गाड़ी अच्छी लगी तो कमेंट करके बता दो, शायद से अगले एपिसोड में मैं वो ले लूँ। तो गाइज यहाँ पे मेरे पास एक शोरूम है आगे, ये जो गेट की तरह दिख रहा है वहाँ पे एक शोरूम है। तो वहाँ पे मैं अभी जा रहा हूँ और वहाँ पे देखते हैं कि कौन सी गाड़ियाँ मिलती है। मैं जब भी जा रहा था यहाँ से ट्रेवर को मिले तभी मुझे यहाँ पे शोरूम दिख गया था। तो उस शोरूम के कांच में से मुझे एक बहुत ही खतरनाक गाड़ी दिखी थी और शायद से मैं उसको ही देखने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो यहाँ पे जल्दी से अंदर जाके देखते हैं कि अंदर कितनी गाड़ी, और शायद से वही गाड़ी जो मुझे दिखी थी वो मुझे वापस से दिख गई है। अगर आपको भी वो गाड़ी दिखी हो तो जल्दी से नीचे जाओ और लाइक का बटन दबा दो। और ये रही वो गाड़ी गाइस, ये है अपनी बुगाटी डीवो। ये मुझे बाहर से दिख गई थी कांच में से, और भाई क्या चमक रही है ये गाड़ी। मतलब आप इसको देख के पहचान जाओगे कि ये क्या, कौन जा रहा है इस गाड़ी में से। वो होगा अपना दोस्त यानी कि माइकल, क्योंकि ये बस एक ही एडिशन है इस क्रोम पेंटेड तरह का बुगाटी डीवो का इस पूरे लॉस सांतोस में, और शायद ही किसी के पास ये गाड़ी होगी। और यहाँ पे गाइस और बहुत सारी गाड़ियाँ, ये शायद से लंबोर्गिनी वेनिनो है, और बहुत सारी गाड़ियाँ है भाई यहाँ पे। ये वैसे मुझे ऐसी तो नहीं लेनी, मुझे बस एक सुपर कार चाहिए जो बहुत ही तेज़ भागती हो और माइकल को सूट करती हो। और यहाँ पे ऑडी R8 है, ये कौन सी गाड़ी भाई, खटरा। और ये यहाँ पे हरकान भी है, और भाई रोल्स रॉयस से तो होनी चाहिए।
पीछे शायद से वो ओनर बैठा इस शोरूम का। भाई कितने मज़े यार उसके, काश मैं भी ऐसा शोरूम ओन करूँ, मैं भी उसी की तरफ बैठने वाला हूँ फिर तो माइकल। और भाई ये रोल्स रॉयस का इंटीरियर भी क्या ही कमाल का दिख रहा है अंदर से भी, और अपनी तो डीवो कमाल की है, मैंने ली भी नहीं लेकिन फिर भी अपनी बुला रहा हूँ। देखो तो भाई, मतलब इसको देख के आप पहचान जाओगे कि इसमें से कौन आ रहा है, बुगाटी डीवो का मालिक माइकल। तो अभी इसको परचेस करने के लिए तो भाई इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है, क्या करें, इसको चुरा के लेके जाके भाई एक बार देखता हूँ मैं आगे से जा सकते हैं कि नहीं। भाई मजाक कर रहा हूँ मैं, बस ट्रायल कर रहा हूँ मैं, यहाँ से चुरा के जा ही नहीं सकते क्योंकि आगे जो कांच लगा हुआ है वो बुलेट प्रूफ कांच है और ऑफकोर्स ठोकर प्रूफ भी कांच है वो, तो उससे मैं ठोक भी नहीं सकता आग पे, और आगे भी गाड़ियाँ खड़ी है, पुलिस लग जाएगी, फालतू के सीन हो जाएगा, इसलिए रहने देते हैं। और अभी इस गाड़ी को लेने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, और वो जुगाड़ शायद से ये होगा कि हम जाके एक बैंक रॉब करके आए। और करंटली ये गाड़ी तो बहुत ही कमाल की है भाई, मैं तो ये गाड़ी ऑन एनी कॉस्ट लेने वाला हूँ, तो जल्दी से अभी बाहर जाता हूँ और एक आधी बैंक लूटने का सोच रहा हूँ मैं, पर कौन सी लूटूँ, अरे सरकना भाई क्या रास्ते में आ रहा है, ये ले तेरी तो चाय का कप गिर गया तेरा, माफ़ करना। लेकिन अरे पुलिस भी लग गई, लेकिन छोड़ो एक ही स्टार है, इनसे तो निपट लेंगे हम लोग। ऑल राइट गाइस, तो अभी हम यहाँ पे पलिटो बे के पास आ चुके हैं और अभी यहाँ पे एक बैंक आने वाली है लेफ्ट साइड में, जिसको हम आज लूटने वाले हैं। और इस बैंक की एक खासियत ये है गाइस कि यहाँ पे आपको बहुत सारा पैसा मिलता है, ये वैसे छोटा बैंक है लेकिन अंदर बहुत सारे डायमंड्स और हीरे भी पड़े हुए हैं। ओ लेकिन भाई यहाँ पे इतने सारे पुलिस, अरे यार 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 पुलिस किधर से आ गई भाई, भाई इधर तो मैं लूटने वाला था, शायद से किसी और ने यहाँ पे डाका डाल दिया है पहले से ही मेरे आने के पहले। और यहाँ पे इतनी सारी टीम क्यों आ पहुँची है भाई, और मैंने इतने ज़्यादा गन्स भी नहीं लाए, अभी इनको सबको उड़ा कैसे पाऊँगा भाई, मैं अंदर यहाँ पे कैसे जाने वाला हूँ। और अरे एक मिनट, यहाँ पे शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कोई तो मेरे से पहले आके बैंक पे डाका डाल चुका है और अंदर, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनको किसी ने खबर दे दी हो कि मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। भाई फिलहाल तो मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ पे ऊपर से भाई आगे ही एक इनका स्वाट का गार्ड खड़ा है और इनको शायद से मुझे अभी निपटाना ही पड़ेगा क्योंकि भाई मेरा बैंक बैलेंस ज़ीरो है, अभी मुझे पैसे कमाने हैं। तो अभी इसको सबसे पहले मैं लेता हूँ और भाई चल निकल भाई यहाँ से, किसी को सुनाई नहीं देनी चाहिए इसकी आवाज़, बस गंद। अरे भाई नीचे उतर जाए यार, क्या तू ऊपर सबको शो ऑफ दिखा रहा है। अरे लेकिन यार इनको सबको पता चल गया है और ये लोग अभी शूटिंग चालू कर दिया इन सब लोगों ने, अभी मैं क्या करूँ भाई, भाई मेरे पास ज़्यादा गन्स भी नहीं है और यहाँ पे सब लोग ऊपर फायर कर रहे हैं मेरे पे। ओ नो यार शिट, यहाँ पे एक एक को स्नाइप करना पड़ेगा, भाई मेरी स्नाइपिंग तो इतनी अच्छी हो नहीं रही है अभी यहाँ पे, वैसे तो एक हेडशॉट लगा दिया दो तीन लोगों को। और यार अंदर से इतने सारे लोगों की चीखने की आवाज़ क्यों आ रही है, अंदर शायद से थोड़ी स्टाफ भी है इनके बैंक की। और भाई यहाँ पे पीछे मैं तो सबसे पहले सबको एक एक करके उड़ा रहा हूँ, भाई इतने सारे लोगों को कैसे मार पाऊँगा यार मैं, मेरे पास अब तो यहाँ पे ट्रेवर और इनका भी पता नहीं है, मुझे शायद से ट्रेवर और फ्रैंकलिन को बुला लेना चाहिए था। एक बात अच्छी है कि भाई मेरे पास एक अच्छी स्नाइपर राइफल है, क्योंकि अगर ये राइफल नहीं होती ना तो इनको उड़ाना तो मुश्किल होता। अरे ग्रेनेड भी है अपने पास, तो नेड करता हूँ ना यार सीधे सीधे, मैं भी क्या इधर बैठ गया राइफल से। भाई एक एक दो नेड फेंके ना सब लोग उड़ जाएंगे यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यार यहाँ पे गाड़ियाँ पार्कते हैं और अगर नेड फेंकता हूँ मैं तो सीधी गाड़ी फूटेगी, और अगर गाड़ी फूटती है तो भाई डायरेक्टली सब लोग उड़ जाएंगे। तो अभी मैं नीचे जाता हूँ भाई आराम से, इन सबको उड़ाता हूँ एक एक करके। भाई अच्छा है यार मेरे पास एक दो गन्स तो थी और नेड्स थे, अभी पीछे तो पब्लिक है, उनको क्यों मार रहा हूँ मैं। ओ भाई भाई भाई, अरे पुलिस भी है यहाँ पे, मुझे लगा पब्लिक ही खड़ी है मेरे पीछे, और फायर ट्रक भी आ गया भाई। ये सब मेरे लिए था क्या यार, इतना सब कुछ दंगा मैंने थोड़ी ना किया था पहले से, अंदर एक नेड कर लेता हूँ। यहाँ पे पहले हुआ क्या था, पीछे मैं देख रहा हूँ पब्लिक खड़ी है और पीछे कैमरामैन भी खड़े हैं, भाई शूटिंग ले रहे क्या यहाँ पे, पता नहीं भाई, लेकिन मैंने तो अपना काम कर दिया। अभी आगे कोई ना हो, बस माइकल को भी गोली लग गई भाई पीछे। अरे यार यहाँ पे दो तीन लोग हैं और ये क्या, अरे रुक जा भाई, गन ही नहीं निकल रही, लेकिन तुम लोग को तो मैं बुक्के से ही मारता हूँ सीधे, तुम लोग को गन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अरे मर जा भाई, शायद से इसको ना गन से ही निपटाना पड़ेगा। एक मिनट भाई, ये ले तू, लातों के भूत भाई लातों से भी नहीं मानते, उनको बंदूक मारनी पड़ती है। ओके भाई, सो अभी यहाँ पे मैं अंदर जाता हूँ डायरेक्टली, बहुत सारा पैसा। अरे एक मिनट, यहाँ पे अंदर दो और गार्ड्स खड़े हैं भाई, इनको तो सीधा शॉटगन से ही लेता हूँ मैं, मतलब अंदर भी लोग रखे हैं और उनको तो कुछ फायरिंग करना तो जमता नहीं है। तो भाई क्या पड़ी है भाई इस बंदे को, पहले वाले को तो
दूसरे वाले को भी नहीं, अरे मिस हो गया भाई। लेकिन अंदर भी कितने सारे पैसे पड़े यार, यहाँ पे तो बहुत ही मज़े हो गए भाई अपने। ये सब मैं अगर उठा के लेके चलता हूँ ना भाई, इतना सारा लोड करने मैं तो अकेला नहीं कर पाऊँगा। शायद से मैं ट्रेवर और फ्रैंकलिन को भी बुला लेता हूँ यहाँ पे। और भाई यहाँ पे इतने सारे डायमंड्स और हमको कैश मिल चुका है भाई, अब इस कैश का क्या करें? कमेंट करके आप मुझे जल्दी से बताओ इसी वक्त, क्योंकि अभी इतना सारा कैश हमारे पास आ चुका है, हम गाड़ी भी ले सकते हैं, हम इतने सारे पैसे से घर भी ले सकते हैं। और भाई ये बैंक रॉबरी तो सक्सेसफुल हो गई, अभी फ़िलहाल तो मैं अपने दोस्तों को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि भाई मैं अकेला तो कुछ कर नहीं पाऊँगा यहाँ पे। एक मिनट पहले पैसे देख लूँ भाई कितने सारे, भाई इनको गिनने में भी कितना टाइम लगेगा, और ये सब इतने कम सिक्योरिटी के साथ यहाँ पे क्यों ही रखे थे, कोई आइडिया नहीं है। तो फिर भाई फ़िलहाल तो अभी मैं अकेला ये सब लोड नहीं कर पाऊँगा, तो मुझे फ्रैंकलिन और ट्रेवर को फ़ोन करके बुलाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं फ्रैंकलिन को बुला लेता हूँ, उसकी मुझे अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो जल्दी से उसको बुला लेता हूँ भाई यहाँ पे। और लाइट अभी वो लोग शायद से आते ही होंगे यहाँ पे, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ, तब तक तबाही देखता हूँ कि क्या क्या तबाही मचाई है भाई हमने यहाँ पे। सारे के सारे गार्ड्स ही नीचे पड़ गए, और बाकी पुलिस क्यों नहीं आई भाई यहाँ पे, इतने लोगों को मारा और पुलिस की गाड़ी और आई ही नहीं, शायद से वो भी हमसे डर गए। और यहाँ पे अपने ट्रेवर और फ्रैंकलिन लोग भी आ चुके हैं, अभी हम सीधा अंदर जाते हैं। और भाई ये ट्रेवर देखो कितना बेशरम इंसान है, इसने अभी तक वो क्लाउन वाला मास्क निकाला ही नहीं है, शायद से इसको अभी तक खुशी हो रही है कि उसने हमको प्रैंक कर दिया है भाई। लेकिन छोड़ो, अभी इतना सारा पैसा लेना है तो ट्रेवर को भी थोड़ा सा हिस्सा दे देते हैं, क्योंकि भाई अगर मैं इतना सब ले ही नहीं जा सकता तो इसको यहाँ पे अकेले में छोड़ के क्या करना है। तो बेचारे को थोड़ा सा फ़ायदा भी करवा देते हैं अपना ही दोस्त है आखिर, और बाद में उसको हम प्रैंक करने वाले गाइस। मुझे तो भाई इसका बदला प्रैंक से ही लेना है, तो इसका बदला हम बहुत ज़बरदस्त लेने वाले, मेरे पास एक मस्त प्रैंक है। तो अभी भाई हमने सबने गाड़ी में सारा का सारा कैश और सारे डायमंड्स लोड कर दिए हैं, और अभी शायद से अंदर कुछ भी बचा नहीं होगा, देख लेता हूँ एक बार जाके। सारा का सारा माल खाली हो चुका है भाई, इन तीनों हम तीनों लोगों ने जम के यहाँ से लूट मारी है, और अभी सीधा यहाँ से निकलते हैं भाई, क्योंकि बीच में अगर पुलिस आ गई हमारे पीछे तो भाई बैंड बज जाने वाली है। और ये देखो ट्रेवर भाई साहब कितना मस्त डांस कर रहे हैं भाई, इसने जो प्रैंक किया है ना, इसका तो बदला हमें लेके ही रहना है, क्योंकि इसको ऐसे हम पैसे देके थोड़ी ना छोड़ सकते। और यहाँ पे अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई भाई, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। और यहाँ पे बाहर पब्लिक भी खड़ी थी, वो पब्लिक भी भाग गई है इधर से, वो पता नहीं भाई। अभी तो हम सीधा सीधा इधर से निकलते हैं और देखते आगे क्या होता है। और भाई एक मिनट ये आवाज़ किधर से आ रही पुलिस की? भाई गाड़ियाँ भी आ गई, ओ नो भाई इनकी ही देरी थी, मुझे वही लग रहा था कि अभी तक पुलिस क्यों नहीं आई है, क्योंकि हमने इतनी बड़ी बैंक को लूट लिया और अभी तक पुलिस भी नहीं लगी हमारे पीछे, ये कैसे संभव था? तो अभी पुलिस तो आ गई है भाई, अभी हमें इधर से जल्दी निकलना पड़ेगा भाई। ट्रेवर किधर रह गया उसकी गाड़ी में? और भाई ये फ्रैंकलिन फायर ही नहीं कर रहा, इसके पास बंदूक ही नहीं है भाई, इसको पता नहीं था कि हम बैंक रॉबरी के लिए आ रहे, बंदूक लेके आना चाहिए था। अभी मैं अकेला ही गाड़ी में बैठा और मुझे ही फायर करना पड़ रहा है, और भाई फायर कर कर के कितना करूँगा यार। 5-star 4-star पुलिस लग गई है, हेलीकॉप्टर से पीछा कर रही है लोग हमारा, तो भाई इनसे पीछा छुड़ा तो भाई मुश्किल होने वाला है। अभी फ़िलहाल तो मैं आगे जा रहा हूँ, जैसे तैसे भगा रहा हूँ गाड़ी को, और भाई इनके स्वाट टीम भी आ गई इधर, गाड़ी बीच में खड़ी करते थे, हम लोग कैसे चलेंगे भाई अभी? और अगर भाई टायर पंचर हो गया ना, मैं कह रहा हूँ पूरा का पूरा वेस्ट जाएगा हमारा प्लान जो भी हमने बनाया था। फिलहाल तो किधर जाऊँ भाई, ये गाड़ी भी इतनी फिसल रही है, आगे जाता हूँ सीधे, देखता हूँ क्या करना है भाई। दोनों तरफ से हमें घेर लिया गया है, और एक मिनट यहाँ आगे भी नहीं जा सकते, ये तो आगे तो अपना मिलिट्री एयरबेस है, तो आगे भी नहीं जा सकते, तो अभी हमें पीछे ही जाना पड़ेगा भाई। और पीछे से तो पूरा का पूरा गैंग आके खड़ा है, तो भाई अभी तो कैसे निकले यार यहाँ पे, मुझे कोई आइडिया नहीं है। ऊपर से चॉपर भी लेके आए शायद से ये लोग, अभी क्या करें यार, दो चॉपर्स हमारे पीछे हैं, शायद से टनल में हम जाएंगे तो बच जाएंगे इनसे, और नहीं टनल में तो बिल्कुल भी नहीं, आगे भी पुलिस खड़ी है। तो भाई जैसे तैसे मैं इधर आ चुका हूँ भाई, अभी यहाँ पे क्या करना है मुझे समझ में नहीं रहा, सारी जगह से पुलिस ने हमको घेर लिया है। और शायद से मैं इधर नेड़ कर दूँ ना तो एक बार, अरे गाड़ी क्या ठोक रहा हूँ, एक नेड़ कर दूँ ना तो गाड़ी अब फूट जाने वाली है सीधे। अभी मज़ा देखते गए सारा का सारा, ओ भाई बूम बाम हो गया यार, कहता है बूम बाम, दो लोग कैसे बच गए इनके। तो भाई अभी शायद से मेरे को एक जगह मिल गई है जिधर से अंदर हम जाके बच सकते हैं इन पुलिस लोगों से, तो फिर अंदर मैं जाता हूँ डायरेक्टली और देखता हूँ कि उधर से हम कैसे निकल पाएंगे। वो बेसिकली एक टनल है, उस टनल में हम जाके देखते हैं कि इन लोगों से बच भी पाएंगे या नहीं। तो भाई अरे अरे अरे, गाड़ी फूट ना जाए बस हमारी,
सारा का सारा बुलेट्स लग चुका है चारों तरफ से, और अभी कोई आइडिया नहीं है मुझे कि आगे क्या होने वाला है। आगे से पुलिस आ रही है कि क्या हो रहा है भाई। यहाँ पे ये टनल है, शायद से इधर अंदर जाके मैं देखता हूँ कि यहाँ पे बच पाता हूँ या नहीं। शायद से तो बची जाएंगे यार, यहाँ पे वो लोग आ ही नहीं पाएंगे शायद से। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं गलत था भाई, बिल्कुल गलत था। यहाँ पे भी ये बच्चे आ गए पुलिस के, अभी यहाँ से कैसे भागू भाई सारा। ये लोग तो अपने पे टोपी छोड़ रहे ऊपर से भी भाई साहब। अब यहाँ से मुश्किल है भाई निकलना। तो पहली बात तो मुझे लगा था कि टनल में जाके मैं बच जाऊंगा, लेकिन इनसे तो पीछा ही नहीं छूट पा रहा है। और अपना ट्रेवर भाई साहब किधर चला गया उसका तो कोई पता ही नहीं है। तो ट्रेवर भी यार सेफली आ जाना चाहिए, क्योंकि ट्रेवर के पास भी बहुत सारा माल था। उसने कहा तो था कि वो हमसे शेयरिंग भी करेगा, लेकिन पता नहीं भाई, उसका कुछ भरोसा नहीं है फिलहाल। तो भाई एक मिनट, मुझे एक और टनल मिल गया है, और यहाँ पे टनल में मैं जाके देखता हूँ कि अंदर आगे से भी मैं बच सकता हूँ या नहीं। शायद से तो इधर से बच जाऊँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे तो पुलिस का आने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आना लॉस के अगेंस्ट है। क्योंकि भाई टनल में मेट्रो की जगह है गाड़ियों की नहीं, और पुलिस तो भाई लॉ तोड़ेगी नहीं संतोष की। तो अभी यहाँ पे छुप के देखता हूँ मैं थोड़ी देर कि यहाँ पे पुलिस आती है या नहीं। मोस्टली वो आएंगे नहीं भाई। और भाई इसी के साथ गुड न्यूज़ ये है कि पुलिस भाग गई है अपने से, और पीछे से मस्त मेट्रो भी आ गई है। तो मेट्रो के भी दर्शन हो गए अभी के अभी। और अभी भाई बाहर जाके बस पुलिस लग जानी नहीं चाहिए वापस से। ट्रेवर भी बच गया होगा शायद से, मैंने उसको किधर पता क्या पता किधर छोड़ दिया, हम दोनों लोग सेपरेट हो गए थे बीच में। तो ट्रेवर तो भाई बच ही गया होगा, क्योंकि वो इतना तो होशियार है पुलिस से भाग सके। और अभी हम तो यहाँ पे भाग गए हैं, और सीधा मैं अभी ले लेता हूँ घर में, क्योंकि बहुत ही इंटेंस रेस हुई थी यहाँ पे। रेस नहीं कह सकते, एक फाइट हुई थी पुलिस के बीच में और हमारे बीच में। तो देखते अभी क्या होता है आगे। सीधा सीधा घर पे लेते हैं और भाई आराम करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो हम घर पे तो आ चुके हैं, गैराज में अभी ये गाड़ी लोड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे साथ फ्रैंकलिन भी आ गया, वो यहाँ से अकेला चला जाएगा, गाड़ी हमारे साथ ही रहेगी, क्योंकि भाई मैंने उधर जाके दंगा किया फ्रैंकलिन को, तो मैंने बस लोड करके थोड़ा पैसा देके भगा देना है। तो फिर भाई यहाँ पे मैं अभी घर पे तो आ चुका हूँ, फ्रैंकलिन भी निकल जाएगा एक घर पे चला जाएगा अपने, मैं भी अपने घर पे आ चुका हूँ। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि ट्रेवर को हम कैसे प्रैंक कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेवर ने जो मज़ा लिया था ना हमारे साथ आज, वो तो भाई मैं कभी भूलने नहीं वाला। सो अगले एपिसोड में हम ट्रेवर के साथ मज़े लेंगे। अभी के लिए चलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया तो अभी जाके कर दो। कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।